सर इसकी आपको कॉस्ट कितनी आई थी बनाने में? सर अपनी इसको आई थी कुछ भी 900 के आसपास। अच्छा तो सर 900 रुपए में आपकी मतलब जितनी भी गायें हैं सबको यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाता है? तो सर आपने घर पे बनाया था या फिर? नहीं ये घर पे बनाया था। तो मेरे प्यारे देश के प्यारे किसान वीरों, क्या हालचाल है यार। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि जो ऑटोमेटिक वाटर फ्लो सिस्टम हमारे डेयरी फार्म में लगाया जाता है उसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और इसकी पूरी डिटेल लेंगे कि ये बहुत सस्ता बनाया गया है, ये सिर्फ 900 रुपए में सर ने बनाया है। तो चलिए किसान वीरों शुरू करते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी भी जरूर दबा दें, उससे क्या होगा हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो सर आपने यहाँ पर ये लगा रखा है, तो सर ये क्या चीज़ है पहले तो आप ये बता दीजिए हमारे किसान भाइयों। जो हमने पानी का अंदर सेटअप कर रखा है गायों के लिए, उसका लेवल बना रखा है जो कि पानी अंदर और जो गायों के पास यहाँ पे और गायों के पास एक ही लेवल पे है। अच्छा सर। जैसे जैसे अंदर गायें पानी पिएगी यहाँ पे जो फ्लूट वाल लगा है ये बोल अंदर जाएगी। अच्छा सर। और एक समय तक जैसे कि अंदर और बाहर का लेवल एक जैसा हो जाएगा तो पानी अपने आप बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर पानी बंद हो जाएगा। तो सर इसकी आपको कॉस्ट कितनी आई थी बनाने में? सर अपनी इसको आई थी कुछ भी 900 के आसपास। अच्छा तो सर 900 रुपए में आपकी मतलब जितनी भी गायें हैं सबको यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाता है? तो सर आपने घर पे बनाया था या फिर? नहीं ये घर पे बनाया था, फ्लूट वाल वगैरह अपन जो है ये लेके आए थे, बाकी जो ये पूरा ही अपना बना। अच्छा सर, फ्लूट वाल इनने मार्केट से परचेज किया था, बाकी सब ये देख सकते हो पूरा होममेड बना रखा है इन्होंने। तो सर इस जो हमारे बाकी के जो डेयरी फार्म रहते हैं वो उनके अंदर जहाँ पर गायें पानी पीती है वहाँ पर ये जो सिस्टम ये लगा रहता है, तो सर आपको इसको डेयरी फार्म से बाहर लगाने का क्या मतलब है सर? सर इसका एक तो मेन रीज़न ये है कि अगर अपन हर गाय के आगे लगाएंगे तो 900 रुपए का हर गाय के आगे अपने को कॉस्ट पड़ेगा। कॉस्ट पड़ेगा 900। तो अपना 900 रुपए में एक ही हो रहा है और सभी को चल रहा है ना। अच्छा सर, तो 900 रुपए में एक ही जगह हो रहा है और ये चीज़ है ये सभी किसान भाइयों को अपनानी चाहिए। और वहाँ पर जो कॉस्ट लग रही उसकी जगह अगर यहाँ पर अगर कॉस्ट लगाएंगे तो उससे यहाँ पर सस्ता पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ पर इनकी जो गायों की वो जगह भी बचेगी और यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सर ने बताया है। तो अगर किसान वीरो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं करी तो शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो किसान वीरो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।